दिल्ली में पुराने नोट जमा करने का आखिरी दिन है आज। पीएम मोदी के 50 दिन के वादे की सीमा भी आज होगी खत्म। झारखंड के लालमटिया में खदान धंसने से हुआ हादसा, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीआईएसएफ ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। उड़े की बेकरी में आग लग गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। गुरुवार को समाजवादी दंगल में आया नया मोड़, सीएम अखिलेश ने जारी की 235 उम्मीदवारों की नई लिस्ट, अलग अलग सिंबल से प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री अखिलेश की लिस्ट के जवाब में शिवपाल ने जारी की 68 प्रत्याशियों की लिस्ट, ट्वीट कर की प्रत्याशियों की घोषणा। सीएम अखिलेश, राम गोपाल और आजम खान के करीबी विधायक और नेताओं के नाम लिस्ट से बाहर। सपा में जारी दंगल के बीच रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले जब सीएम की इच्छा के अनुसार टिकट नहीं बटेंगे तो मीटिंग तो होगी ही, सपा में आखिर तक बदलते हैं टिकट। बुधवार को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों के लिए जारी की थी उम्मीदवारों की सूची, 176 विधायकों को दोबारा मिला था टिकट। इसके साथ ही अखिलेश के करीबियों का काटा गया था टिकट। सपा में टिकट पर जारी तकरार पर बेनी प्रसाद वर्मा का बयान, कहा सीएम के असंतुष्ट होने की बात गलत, टिकट बंटवारे को बेनी ने बताया सही। समाजवादी दंगल पर बीजेपी ने बोला हमला, बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यूपी की जनता पस्त है लेकिन समाजवादी पार्टी दंगल में मस्त है। इन विफलताएं जो है अखिलेश की, इनसे मुक्ति चाहते हैं और कोर मुद्दा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो वादा खिलाफी अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ की है, तो अब वो टिकट किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं ये उनके घर का मसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो मुद्दे हैं और जो उन्होंने आश्वासन दिए थे प्रदेश को उसमें पूरी तरह से। मुलायम कुनबे में कलह पर बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि इस पार्टी का नाम परिवारवादी पार्टी कर देना चाहिए। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा इस लड़ाई से यूपी की जनता का विकास रुका है और जनता का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष दल कुछ करने लायक नहीं बचा, सपने में पीएम दिखाई देते हैं, नींद में उठकर चिल्लाते हैं पीएम इस्तीफा दे दो। नोटबंदी के मामले में अरुण जेटली ने बताया कि नोटबंदी के बाद प्रत्यक्ष कर में 14.4% और अप्रत्यक्ष कर में 26.2% की बढ़ोतरी हुई। आयकर में अभी तक कुल 14.4% की बढ़ोतरी हुई। 500 रुपए के और ज्यादा नए नोट सर्कुलेशन में आएंगे। नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कोहरे की वजह से डिले किया गया है, 2 घरेलू उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया है। लखनऊ में आईएएस संजीव दुबे ने पंखे से लटककर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में बीमारी को बताया आत्महत्या की वजह। साध्वी प्राची का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया, उन्होंने मुरादाबाद में राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि राम जन्मभूमि हमारी है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। रामपुर की कोतवाली सदर का समाचार प्लस ने स्टिंग किया, लड़कों के मामूली से विवाद में समझौता होने के बाद भी दोनों पक्षों से नाजायज वसूली करती दिखाई थी पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने 3 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का माल बरामद किया। डकैतों ने मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर की थी डकैती। लखनऊ में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जौनपुर में जलालपुर यूनियन बैंक से चोरों ने उड़ाया कैश, पीछे के रास्ते से ग्रिल काटकर बैंक में घुसे चोर, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी।